भारतीय जनता पार्टी गढ़वा के विभिन्न प्रखंडों के 19 मंडल अध्यक्षों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव में सांसद बीडी राम को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। पलामू संसदीय क्षेत्र के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता को लोकसभा प्रत्याशी बनाने की उन्होंने मांग की है। लोगों ने वर्तमान सांसद बीडी राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 10 साल सांसद रहने के बाद भी उनका व्यवहार जनप्रतिनिधि जैसा नहीं है। अपने कार्यकाल में ये ना तो जनता से जुड़ सके और ना ही कार्यकर्ताओं को पहचान सके। मंडल अध्यक्षों ने चुनौती देते हुए कहा कि सांसद बीडी राम अपने सभी मंडल अध्यक्षों को पहचान लेंगे तो हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। लोगों ने कहा कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो इन लोगों का विरोध नहीं रुकेगा। पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने पांकी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में 5 सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पांकी प्रखंड के डंडार कला में PMGY रोड डंडार कला से डंडार खुर्द तक, पांकी बराज से लोहरसी और तेतराई पक्की सड़क से ग्राम टैया बसरिया हरिजन टोला होते हुए माकी तक पथ का सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने कहा कि 15 साल से क्षेत्र अपेक्षित था, फिर भी ग्रामीणों की समस्याओं का निदान नहीं निकला। विधायक ने पूर्व विधायक पर भी जमकर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को बीजेपी में शामिल करने की बात को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हम हैं और उनसे किसने बीजेपी में शामिल करने की बात कही वो बताएं। बीजेपी के किस नेता ने, बाबूलाल मरांडी ने तो बात नहीं किया, ना मिलके बात किया ना टेलीफोन पर कोई बात की। अरे अध्यक्ष तो प्रदेश के हम हैं, अब कौन नेता उनसे बात की तो बताओ, उनको बताना चाहिए। इन्हें छापा मारा तब ये बोल रहे हैं, अगर यही बात है तो पहले बोलते कि हमको ये देखिए अमुक नेता, आज भी उन्होंने कोई बता नहीं रहे कौन नेता उनसे बात किया, बतावे तो। टेलीफोन पर बात किया, कब उनसे मिला, उसका बीजेपी पार्टी नहीं करता है। बीजेपी के किस नेता ने, बाबूलाल मराठी ने तो बात नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के तैयारी को लेकर इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करने के लिए किस तरीके से वहां पर थाली में फूल लेकर महिलाएं खड़ी नजर आ रही हैं। उनके दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रशासनिक जो महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। उनके आगे पीछे तमाम तरह के जो वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल अर्पण कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चतरा के ऐतिहासिक इटखोरी भद्रकाली मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना किया है, दर्शन किया है माँ भद्रकाली का और उनके स्वागत को लेकर वहां पर व्यापक तैयारियां देखने को मिली। महिलाएं उनके स्वागत में वहां पर तैयार खड़ी दिखी, थाली में फूल माला लेकर वहां पर स्वागत किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। सिमडेगा में विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला जल सहिया संघ की बैठक जिलाध्यक्ष रेशमा प्रवीण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मौके पर जिला सचिव सुमन चिट्ठियों ने बताया कि 2019 से लेकर अब तक हमारा मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर विभाग से कई बार बात भी हुई है लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया, इसलिए उनकी ओर से आग्रह किया जा रहा है कि विभाग द्वारा उनकी बकाया प्रोत्साहन राशि को जल्द दिया जाए। आज जल सहिया संघ की बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? आज हम लोग जिला स्तरीय बैठक रखे हैं, उसमें हम लोग का वही जो मानदेय मिलने वाला है तो हम लोग को पानी जांच करके उसका रिपोर्ट जमा करना है उस मुद्दे पर, और हमारा जो कार्य हो रहा है या होने वाला है
जो भी बकाया मानदेय हम लोग को मिलने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठक रखे हैं। कितने दिनों की मानदेय बाकी? 2019 से 21-22-23। इतने लंबे समय तक मानदेय नहीं मिला है, बस बीच में कुछ पैसा मिला था, फिर भी हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, यही आसरा लगा के कि कल के दिन हम लोग को जो कार्य किए हो वो पैसा मिल सके। भविष्य में आपकी क्या मांगे, आप लोगों की और क्या मांगे? और तो बस हम लोग का मानदेय जो है वो मिल जाए ये नियमित रूप से, और प्रोत्साहन जो मिलने वाला है वो भी हमें जल्द ही मिले। बागमारा के जीटीएस आउटसोर्सिंग में बमबाजी की खबर है। कतरास थाना के छाताबाद में संचालित जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस में बीती रात अपराधियों ने बमबाजी कर दहशत फैलाया है। घटना के संबंध में जानकारी सामने आई है कि दो बम फेंके गए थे जिसमें एक बम ब्लास्ट नहीं हो सका है, जिसे कर्मियों ने जब्त कर पुलिस को सौंप दिया। होली पर्व और रमजान को लेकर जमशेदपुर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। एसएसपी कौशल किशोर ने पुलिस कर्मियों की एक टीम के साथ बिष्टुपुर इलाके में पेट्रोलिंग की है। बिष्टुपुर में मेन रोड और बिष्टुपुर बाजार समेत अन्य इलाकों में गश्ती की गई। पेट्रोलिंग में बिष्टुपुर थाना प्रभारी के अलावा डीएसपी की भी मौजूदगी रही। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर तमाम क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करें, जिसमें कि समस्त पुलिस पदाधिकारीगण उस थाने के और सभी पुलिसकर्मीगण शामिल होते हैं, और जितने भी पुलिस उपाधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी इस स्थान का चयन कर करके उन जगहों पर पैदल गश्त करते हैं। इसी क्रम में बिष्टुपुर भातकीडी और मेडिकल बस्ती की तरफ जो है गश्त पूरी लगाई गई है थाने के द्वारा, जिसमें हम लोग भी शरीक हुए हैं, और इस तरीके से जिले के जितने थाने 17 थाने हैं सभी जगहों पर पैदल गश्त लगाई गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों के साथ सीधा एक तरीके से संपर्क स्थापित हो सके, और लोगों को जो अगर किसी प्रकार की कठिनाई है पुलिस के पास अगर कोई बात अपनी कहना चाहते हैं वो भी कह सकें। तो यातायात प्रबंधन की बात हो, विधि व्यवस्था संधारण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो, इन सब को लेकर के एक तरीके से ये मुहिम चल रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करें, जिसमें कि समस्त पुलिस पदाधिकारीगण उस थाने के और सभी पुलिसकर्मी।